Welcome to the Wisdom English Classes for the students of CBSE Class 12. आज हम विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 4 इनेमी का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. डॉक्टर सदाओ वाज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स एंड साइंटिस्ट ऑफ जापान हु वाज वर्किंग ऑन हाउ टू क्लीन और हील द वुंड्स क्विकली. डॉक्टर सदाओ, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जापान के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स और साइंटिस्ट होते हैं जो वुंड्स को कैसे हील अप किया जाए या कैसे क्लीन किया जाए इस विषय पर रिसर्च कर रहे होते हैं. ही वॉज नॉट सेंट अब्रॉड विथ ट्रूप्स बिकॉज ही वॉज द पर्सनल डॉक्टर ऑफ द ओल्ड जनरल हु वॉज इल एंड नीडेड हिज हेल्प. उन्हें ट्रूप्स के साथ विदेशों में नहीं भेजा जाता है क्योंकि वो ओल्ड जनरल के पर्सनल डॉक्टर भी थे और जनरल उन दिनों काफ़ी बीमार चल रहे थे और उनको पर्सनल केयर की ज़रूरत थी और जनरल को डॉक्टर सदाओ पे ही पूरा विश्वास होता है, इसलिए उन्हें ट्रूप के साथ विदेश में बिल्कुल भी नहीं भेजा गया क्योंकि वो वार टाइम होता है, वर्ल्ड वार सेकेंड की ये घटना है. सदाओज फादर वॉज वेरी मच कंसर्न्ड ऑफ हिज स्टडीज़. तो सीन्स चाइल्डहुड, बचपन से ही सदाओ के जो फादर होते हैं वो काफ़ी कंसर्न है इनके लिए और बिल्कुल भी, चूँकि वो एक सिंगल बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो वो काफ़ी उनका ख्याल रखते हैं और पर्टिकुलर स्टडी के लिए वो बहुत ही कंसर्न्ड हैं. ही इवन सेंट हिम टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज़ वेयर ही स्टडीड अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन. डॉक्टर सदाओ के फादर उन्हें अमेरिका भी भेजते हैं हायर स्टडीज़ के लिए और जहां वो सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं. His professor of anatomy often told that it is nothing less than a murder if a doctor operates without complete knowledge of anatomy. तो उनके डॉक्टर सदाओ के जो प्रोफेसर होते हैं, एनाटॉमी के प्रोफेसर होते हैं, वो हमेशा इनको बताते हैं कि किसी भी डॉक्टर को ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और कोई भी सर्जन अगर बिना कंप्लीट नॉलेज का अगर किसी पेशेंट को ऑपरेट करता है तो वो बिल्कुल मर्डर है, मर्डर से बिल्कुल भी कम नहीं है. वन डे ही मेट विथ अनदर जैपनीज नेम्ड हाना एट द रेसिडेंस ऑफ हिज प्रोफेसर एंड लेटर ही मैरिड विथ हर अकॉर्डिंग टू द जैपनीज ट्रेडिशन. चूँकि सदाओ और उनकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स जापानीज होते हैं, कंजर्वेटिव जापानीज होते हैं, उनको अपने देश से और जापानीज़ कल्चर ट्रेडिशन से काफ़ी लगाव होता है, तो हना से जब वो अपने प्रोफेसर के घर मिलते हैं तो हना के साथ उनका दोस्ती हो जाता है और लेटर वो हना से उनकी शादी भी होती है, लेकिन जापान लौटने के बाद जापानीज ट्रेडिशन के अनुसार ही उन दोनों की शादी होती है. हिज हाउस वॉज एट द सी कोस्ट. उनका जो घर है, चूँकि पूरा जापान एक आइलैंड कंट्री ही है, तो उनका जो घर है वो बिल्कुल सी बीच पे ही है. वन डे सदाओ एंड हाना सॉ एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर लाइंग अनकंसियस ऑन द बीच बिहाइंड दियर हाउस. तो एक दिन सदाओ और हना दोनों अपने घर से ही देखते हैं कि एक अमेरिकन सोल्जर है, वो बिल्कुल बीच पे अनकंसियस पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में. ही वॉज आल्सो ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली. जब वो पास में जाके उस सोल्जर को देखते हैं तो वो अनकंसियस पड़ा हुआ है और उसके बॉडी से ब्लीडिंग भी हो रही है और लगातार ब्लीडिंग हो रही है.
तो उस समय वार टाइम होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा होता है, जापान अमेरिका के अगेंस्ट युद्ध कर रहा होता है। ऐसे में एक जापानी सोल्जर जो प्रिजनर ऑफ वार है, उसे गोली भी लगी है, तो वो देश का भी दुश्मन हुआ। ऐसे में तो कुछ देर के लिए तो उन्हें लगता है, फॉर ए मोमेंट सदाओ थॉट टू थ्रो द अमेरिकन इनटू द सी अगेन। सदाओ को लगता है कि ये तो हमारे देश का दुश्मन है, इसे वापस समुद्र में ही फेंक दिया जाए ताकि वो मर जाए, बिकॉज इट वॉज़ ए वार टाइम, जापान वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अमेरिका। बट हीज कंसाइंस डिडंट अलाउ हिम टू डू दैट। लेकिन उनका जो कंसाइंस है, उनकी जो अंतरात्मा है, वो ऐसा करने से उनको मना कर देती है। और क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, बट हीज कंसाइंस डिडंट अलाउ हिम टू डू दैट, ही वॉज इन डायलेमा। तो वो बिल्कुल डायलेमा में है, वो समझ नहीं आता उनको कि आखिर क्या किया जाए। इफ़ ही सेव द सोल्जर, इट वुड बी अगेंस्ट द कंट्री। अगर वो उस अमेरिकन सोल्जर की जान बचाते हैं, तो ये देश के दुश्मन का साथ देना होता है, तो ये देश के अगेंस्ट उनका एक क्राइम हो जाएगा। एंड इफ़ ही थ्रीव हिम इन टू द सी, और अगर वो वापस उसको समुद्र में फेंक देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, इट वुड बी अगेंस्ट ऑफ एथिक्स ऑफ हिज प्रोफेशन। तो एक जो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, तो एज ए डॉक्टर तो ही शुड सेव ए लाइफ नॉट टू किल इट। तो डॉक्टर का जो काम है, जो प्रोफेशन है, वो लोगों की जान बचाने का होता है, किसी का जान लेने का नहीं है। तो ये इनके प्रोफेशन के एथिक्स के अगेंस्ट होगा। फाइनली ही डिसाइडेड टू सेव द मैन फर्स्ट एंड देन ही वुड हैंड ओवर टू द पुलिस। तो एक वो सोल्यूशन निकालते हैं अपने डायलेमा का। उनको लगता है कि एज ए डॉक्टर उन्हें पहले उसकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर बाद में एज ए गुड सिटीज़न उसे पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। तो एक सोल्यूशन उन्हें मिलता है। तो विद द हेल्प ऑफ सी मॉस ही ट्राइड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। चूँकि वो अमेरिकन सोल्जर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी उसके बॉडी से, तो सी मॉस, जो सी ग्रास होता है, उसकी मदद से वो उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करने की, बंद करने की कोशिश करते हैं। देन ही ब्राउट हिम टू हिज हाउस, और उसके बाद उसे अपने घर लाते हैं। बट द डोमेस्टिक हेल्प्स ऑफ द हाउस वेयर वेरी एंग्री। लेकिन जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, उनके सर्वेंट्स हैं घर में, वो अमेरिकन को देख के काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, और उनको लगता है कि ये जो वाइट मैन है, वो अमेरिकन को वाइट मैन कहते हैं, तो ये जो अमेरिकन है, ये बिल्कुल हमारे देश का दुश्मन है, इसे तो बिल्कुल पुलिस को दे दो या फिर इसे मार ही डालो। इस तरह का वो भी ओपिनियन रखते हैं सर्वेंट्स, और वो बिल्कुल बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। दे थ्रेटन टू लीव द हाउस इफ़ द अमेरिकन स्टेट दियर, और वो यहाँ तक कह देते हैं कि वो जॉब छोड़ देंगे, उसका घर छोड़ देंगे जब तक ये अमेरिकन सोल्जर वहाँ रहता है। यूमी द मेड रिफ्यूज इवन टू टच हिम व्हेन हाना आस्क्ड हर टू वॉश द अमेरिकन। जब हाना अपने मेड यूमी नाम होता है मेड का, तो मेड को कहती है अमेरिकन को थोड़ा साफ कर दो, लेकिन यूमी बिल्कुल भी मना कर देती है, तो साफ़ करना तो दूर, मैं तो उसे टच भी नहीं कर सकती उस अमेरिकन को, ऐसा कह के वो बिल्कुल भी रिफ्यूज़ कर देती। देन हाना पोर्ड एनेस्थेसिया एंड डॉक्टर सदाओ ऑपरेटेड हिम। फिर हाना ही अपने हस्बैंड डॉक्टर सदाओ का साथ देती है, वो उसके वास भी करती है, उसको फिर एनेस्थेसिया देती है, और डॉक्टर सदाओ उसको ऑपरेट करते हैं। ही टूक आउट द बुलेट दैट वॉज अबाउट टू टच हिज हार्ट, और उसके बॉडी से बुलेट इंजरीज थी चूँकि, और बुलेट उसके बॉडी के अंदर ही था, तो बुलेट निकालते हैं, और वो बुलेट बिल्कुल उसके हार्ट को टच ही करने वाला था।
वन डे डॉक्टर सदाओ वॉज कॉल्ड बाय द ओल्ड जनरल। तो एक मैसेज मिलता है, एक मैसेंजर आता है डॉक्टर सदाओ के पास कि आपको ओल्ड जनरल बुलाते हैं, बुला रहे हैं। ये सुन के हाना काफ़ी डर जाती है, उसे लगता है कि हो सकता है कोई जनरल को इन्फॉर्म कर दिया हो कि अपने घर में वो अमेरिकन सोल्जर को पनाह दिए हुए हैं। हाना वॉज स्केयर्ड एज इफ समवन हैड इन्फॉर्म्ड अबाउट स्टेइंग ऑफ द अमेरिकन POW। POW मीन्स प्रिजनर ऑफ वार। जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो एक दूसरे को दूसरे के सैनिक को पकड़ लेते हैं, तो वो पकड़े हुए जो सैनिक होते हैं वो प्रिजनर ऑफ वार कहे जाते हैं, POW उसी का शॉर्ट फॉर्म है। बट इट वॉज नथिंग लाइक दैट। जब वो सदाओ जाते हैं ओल्ड जनरल के पास तो ऐसी कुछ बात नहीं होती है। द ओल्ड जनरल डिस्कस्ड अबाउट हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओल्ड जनरल चूँकि वो अस्वस्थ चल रहे थे तो अपने हेल्थ के ही प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन डॉक्टर सदाओ इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द अमेरिकन ही टोल्ड हिम दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स हु वेयर एक्सपर्ट इन ब्लडलेस मर्डर एंड दे वुड आल्सो डिस्पोज द बॉडी। डॉक्टर सदाओ खुद से ही जनरल को इन्फॉर्म कर देते हैं उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में जिसको वो अपने घर में ही रख के इलाज कर रहे होते हैं। तो अमेरिकन सोल्जर कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉब्लम से आपको हम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, बस अपना दरवाज़ा खुला रखना रात में और हमारे प्राइवेट असैसिन्स एक अनऑफिशियल आर्मी होती है। कोई भी डिक्टेटर जो होते हैं वो अपना प्राइवेट आर्मी रखते हैं और जो भी ओपोनेंट्स होते हैं उनके अपोजिशन वाले जिससे इनको खतरा होता है उसका वो मर्डर करा देते हैं, उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। तो ये सब काम उनके प्राइवेट असैसिन्स ही करते हैं। तो कहते हैं कि हमारा प्राइवेट असैसिन्स जाएगा आपके घर में और वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, वो बिल्कुल ब्लडलेस मर्डर कर सकते हैं और वो उस बॉडी को डिस्पोज भी कर सकते हैं। बस ही ओनली आस्क्ड हिम टू कीप द विंडो ओपन। वो कहते हैं कि बस अपना दरवाज़ा खुला रखना रात में। डॉक्टर सदाओ केप्ट ओपन द विंडो फॉर 3 डेज बट नथिंग हैपेंड। डॉक्टर सदाओ ओल्ड जनरल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, 3 दिन तक वो वेट करता है, अपने दरवाजे को खुला रखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है। By then the American had been recovered। उस समय तक जो अमेरिकन सोल्जर है वो काफ़ी स्वस्थ हो चुका होता है, रिकवर कर चुका होता है। तो डॉक्टर सदाओ का जो एक ह्यूमन फीलिंग है उनको लगता है कि ये आदमी तो पहले मर ही गया था, उसको हमने ही जिंदा किया और फिर से उसे मारना, दिस इज़ नॉट लाइक ह्यूमन, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो डॉक्टर सदाओ थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाते हैं उसके प्रति और डॉक्टर सदाओ डिसाइडेड टू हेल्प हिम एस्केप फ्रॉम जापान सेफली। और डॉक्टर सदाओ एक प्लान करते हैं जिसमें उनको लगता है कि इसे सुरक्षित जापान से भेज दिया जाए क्योंकि वहाँ उसके जान को खतरा है। ही अरेंज्ड हिज ऑन बोट, गेव हिम ऑल द नेसेसरी आइटम्स लाइक फूड, वाटर बॉटल्स, ब्लैंकेट्स। तो डॉक्टर सदाओ को लगता है, तो पहले तो डॉक्टर सदाओ उसको कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे सेफ एस्केप करने का एक प्लान कर रहे हैं, मैनेज कर देते हैं। तो वो काफ़ी रिलक्टेंट है अमेरिकन सोल्जर, वो उनको छोड़ के जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतना अच्छा केयर ले रहे हैं। उसका कहना है कि मैं तो मर ही गया था, तो ये जो हमारी जो ज़िंदगी है वो आपकी ही है, मैं आपको छोड़ कर नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर सदाओ उसे काफ़ी समझाते हैं कि उसके रहने से डॉक्टर सदाओ के भी जान को खतरा है, वो फंस सकते हैं, तब वो मान जाता है। फिर डॉक्टर सदाओ उसके लिए अपना बोट अरेंज करते हैं और जो भी एक नेसेसरी आइटम्स होता है जैसे फूड है, वाटर बॉटल्स है, ब्लैंकेट्स है, वो सब उसे देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ही आल्सो गेव हिम ए टॉर्च एंड आस्क्ड हिम टू लाइट ऑन इफ ही नीडेड समथिंग एंड टोल्ड हिम टू गो स्ट्रेट टू द आइलैंड वेयर ही वुड कैच साउथ कोरियन शिप
एंड वुड गो टू हिज कंट्री सेफली। और ये वाटर बॉटल्स, ब्लैंकेट्स और फूड आइटम्स के अलावा उसे एक टॉर्च भी वो देते हैं और वो कहते हैं कि आप सीधे जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे चले जाओ और वहाँ से आपको कोरियन शिप मिल जाएगी और आप सुरक्षित अपने देश जा सकते हो। और उसे एक वो सलाह भी देते हैं कि मान लो कि अगर आपको कोरियन शिप ना मिली, आपका कोई फूड आइटम्स या कुछ भी वाटर बॉटल्स वगैरह कुछ भी कम हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो आप शाम में एक टॉर्च लाइट दिखा देना, हम यहाँ से भिजवा देंगे। ही ऑल्सो वार्न्ड हिम नॉट टू मेक फायर लीस्ट ही वुड बी काउट। वो उसे वार्न भी करते हैं कि आइलैंड पे बिल्कुल भी फायर नहीं करने का है, क्योंकि उसका धुएं की वजह से वो पकड़े जाने का भी चांसेस है, उसका वो पकड़ा सकता है, तो इसीलिए उसे बिल्कुल भी आग नहीं जलाना है वहाँ आइलैंड पर। नेक्स्ट इवनिंग सदाओ डिड नॉट गेट एनी टॉर्च लाइट। दूसरे शाम वो जब बीच पे खड़े होके और वेट कर रहे होते हैं कि किसी तरह का कोई सिग्नल मिले, तो वहाँ कोई टॉर्च लाइट नहीं था। इसका मतलब कि डॉक्टर की जो अमेरिकन सोल्जर है उसे कोरियन शिप मिल जाती है और वो सुरक्षित अपना देश पहुंच चुका है, जापान छोड़ चुका है सुरक्षित ढंग से। इट मीन्स द अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट द आइलैंड सेफली। नेक्स्ट डे डॉक्टर सदाओ ऑपरेटेड द ओल्ड जनरल। फिर से डॉक्टर सदाओ के को एक मैसेज मिलता है, वो दौड़ के जाता है ओल्ड जनरल के पास और ओल्ड जनरल इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत होती है ओल्ड जनरल को, वो उन्हें ऑपरेट करता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर सदाओ ऑपरेटेड द ओल्ड जनरल एंड टोल्ड हिम अबाउट द एस्केप ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। ओल्ड जनरल को का ऑपरेशन करता है और ओल्ड जनरल जब वो अपना कंसियसनेस रिगेन करते हैं, जब होश में आ जाते हैं, तब उन्हें ओल्ड जनरल उन्हें अमेरिकन सोल्जर के बारे में वो डॉक्टर सदाओ बताता है कि वो सुरक्षित यहाँ से चला गया है। द ओल्ड जनरल डिडंट गेट एंग्री। ओल्ड जनरल उस पर नाराज़ नहीं होते हैं एंड ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज़ ए गुड पर्सन। वो कहते हैं डॉक्टर सदाओ को कि आप एक बहुत ही भले इंसान हो, हु हैड सेव टू लाइफ्स, और आपने दो जिंदगियां बचा ली हैं, तो कोई बात नहीं है। और फिर अपने बारे में भी कहते हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस करा था प्राइवेट असेसिन्स भेजने का, तो ये तो डी रिलेक्शन ऑफ ड्यूटी उनका नहीं है, हो सकता है ओल्ड एज है और अस्वस्थ भी चल रहे थे, तो वो अपना प्रॉमिस भूल गए होंगे। और इसी नोट के साथ ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।